हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। पहले हमने समझा रूट कैनाल होता क्या है बिगिनर्स के लिए, कि बिल्कुल भी नहीं आता है हमें और हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को फिर आपने उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि क्या होता है एक्सेस ओपनिंग, BMP, फिर ऑब्चुरेशन, क्या RCT होते हैं। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू करने बोला, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सेस ओपनिंग की, बिल्कुल अगर हम बिगिनर हैं तो क्या मटेरियल हमें चाहिए और कैसे करते हैं, बेसिक जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, बुक की लैंग्वेज में थ्योरिटिकल हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी में हम आज समझ रहे हैं BMP, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। चलिए समझते हैं क्या होता है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो BMP मतलब बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, या फिर क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ रूट कैनाल भी हम जिसको बोलते हैं। एक्सेस ओपनिंग हमने देख लिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें हम ओपन करते हैं और कैनाल तक पहुँचते हैं, कैनाल को सर्च करते हैं, डी रूफिंग वगैरह सारा कुछ हमने उस पर समझा हुआ है। ऐसा हमने कैनाल को सर्च कर लिया, जैसे एक कैनाल ये है, मान लीजिए एक कैनाल ये है, ये हमने सर्च कर लिया। अब आगे हम देखते हैं, अब हम करेंगे BMP। एक बात यहाँ पर ही समझ लीजिए कि BMP बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन जो है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट विजिट में आप करें। अगर आप बिगिनर हैं, शुरू कर रहे हैं और समय लेना चाहते हैं, टाइम लग रहा है, तो पहले उसमें आप एक्सेस ओपनिंग कर सकते हैं, कैनाल को सर्च कर लीजिए, फिर नेक्स्ट विजिट में आप BMP कर सकते हैं, फिर उसके नेक्स्ट विजिट में ऑब्चुरेशन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक एक विजिट ली जाए, आपने एक्सेस ओपनिंग की फिर आप तुरंत ही BMP भी कर सकते हैं, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए जल्दी समझ लेते हैं शॉर्ट में मटेरियल आपको क्या क्या लगेगा। तो एरोटर और हैंडपीस और जो बर हैं वो आपको आपके पास होंगे ही, इन केस अगर आपको कुछ माइनर करेक्शन करने हैं, कुछ हटाना है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेनली जो आपको लगेगा K फाइल्स और H फाइल्स, अभी मैंने यहाँ पर रोटरी फाइल्स का भी लिखा हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिक्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो जनरली जब स्टार्ट करते हैं तो हैंड फाइल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप रोटरी कर रहे हैं, एंडोमोटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो K फाइल, H फाइल चाहिए आपको, 6, 8, 10 नंबर की चाहिए ही होगी, उसके बाद 15 से 40 की कम से कम चाहिए, इसके बाद के भी आप ले सकते हैं, जनरली K फाइल और H फाइल। इसके अलावा रीमर्स यूज़ कर रहे हैं या और कोई फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको चाहिए होगा, प्रोटेपर्स वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो फाइल चाहिए, आप समझिए। उसके बाद रोटरी फाइल मैंने लिखी है, या तो ये चाहिए या फिर रोटरी फाइल चाहिए। अगर रोटरी यूज़ कर रहे हैं तो भी K फाइल आपको 15-20 नंबर, 25 नंबर तक की चाहिए रहेगी हैंड फाइल, इसमें जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर आप अभी हैंड से ही कर रहे हैं, मैनुअल ही कर रहे हैं, तो रोटरी की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद एक्सरे आपको लगेगा, क्योंकि हम इसमें वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन करते हैं, या एक्सेस ओपनिंग के बाद आप कर सकते हैं या फिर BMP के पहले भी आप कर सकते हैं। वर्किंग लेंथ लेना है आपको कि कितनी लेंथ तक हमको वर्क करना है, कहाँ तक, कितनी किस कैनाल की लंबाई है, लेंथ कितनी है। इसके बाद अपेक्स लोकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एंडोमोटर के साथ अपेक्स लोकेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वर्किंग लेंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक्सरे से भी आप कर सकते हैं मैनुअल अगर कर रहे हैं तो। इसके अलावा EDTA जेल आप रखिए, EDTA जेल आपको लगेगा लुब्रिकेशन के लिए। इरीगेशन कंटिन्यूस आपको चाहिए, इरीगेशन के लिए इरीगेशन नीडल आपको चाहिए, और जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर रहे हैं, क्लोरहेक्सीडीन ग्लूकोनेट यूज़ कर रहे हैं, या जो भी इरीगेशन आप यूज़ कर रहे हैं। वीडियो अगर अलग से समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी हम समझ लेंगे। इसके बाद एंडो गेज या फिर एंडो स्केल जिसको हम बोलते हैं, कैनाल्स को, फाइल्स को मेज़र करने के लिए हमें चाहिए होगा। जनरली इतनी चीज़ें चाहिए, फिर कॉटन और जो माउथ मिरर प्रोब ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं रखे हुए, जो हमको पता है कि ये कंपलसरी है, चाहिए ही पड़ेंगे। अब क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे हमने एक्सेस ओपनिंग में भी समझा था ईजी करके, BMP में हमें क्या याद रखना है, प्रॉपर वर्किंग लेंथ, वर्किंग लेंथ हमें प्रॉपर लेनी है हर कैनाल की, कितनी कहाँ तक हमें वर्क करना है वो आप अच्छे से मेज़र करिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए आपका। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे ये कस्प है, मान लीजिए यहाँ से आप फाइल ले रहे हैं, तो जो हमारा स्टॉपर होता है फाइल का,
जहाँ पर हम मेज़र करके स्टॉप किए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। हमने फाइल डाला और रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है स्टॉपर है हमने यहाँ पर सेट किया है और हमने मेज़र कर लिया जितना भी है 15, 16, 18 जो भी mm आया हुआ है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 18 mm ले लिया, 18 mm ले लिया, उसके बाद वहाँ तक आपने BMP कर दी, फिर कुछ कारण से या फिर पेशेंट जा रहे हैं, हाई पॉइंट लग रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, तो आपने बर से हटा दिया, तो आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। और फिर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आप करते हैं और अभी भी 18 mm तक करेंगे तो अपेक्स क्रॉस हो जाएगा आपका। तो रेफरेंस पॉइंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। हर कैनाल का क्या रेफरेंस पॉइंट आपने रखा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, चेंज नहीं करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, डोंट स्किप फाइल नंबर। फाइल नंबर आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आप रोटरी यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, 1x1 यूज़ करिए, या फिर के फाइल, एच फाइल, हैंड फाइल भी यूज़ कर रहे हैं, तो 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 15 के बाद हमने डायरेक्ट 25 यूज़ कर लिया, 30 यूज़ कर लिया जल्दी के लिए। अंदर कैनाल में लेज बनेगा, प्रॉब्लम होगी, फिलिंग करते समय, BMP करते समय भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। तो पिछले वीडियो हमने समझा था कि जो रूट कैनाल है पेशेंस का काम है, आराम से करिए, जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके लिए आपको फाइल स्किप नहीं करनी है कि 15 के बाद हम अगर कैनाल है तो उसमें, तो अगर 15 के बाद किसी कैनाल में आप 25 भी डालेंगे तो चली जाएगी, लेकिन लेजेस बनते हैं, डालनी नहीं है, स्किप नहीं करनी। 15 के बाद 20 कंटिन्यू करिए किसी भी फाइल सिस्टम में। इसके बाद इरीगेशन आपको प्रॉपर करते रहना है। ये नहीं कि आपने 2-4 बार फाइलिंग कर ली, इरीगेशन आप कर ही नहीं रहे। फाइलिंग करिए फिर इरीगेट करिए, डेब्रिज बाहर आएंगी फिर से आपकी फाइल जाएगी। प्रैक्टिकल एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे आप फाइल कर रहे हैं आप फील करेंगे करते हुए कि अब जो दूसरी फाइल है वो नहीं जा रही है, आपको लगता है कि अब वर्किंग लेंथ तक क्यों नहीं जा रही है। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इरीगेशन करिए अच्छे से, पार्टिकल्स बाहर आते हैं फिर आपकी फाइल पूरी जाएगी। EDTA भी आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है याद रखना है और आपको परफॉर्म भी करनी है, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या होता है, जब भी हम आगे बड़ी फाइल में जा रहे हैं, चाहे रोटरी है चाहे मैनुअल है, मतलब 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40, 50, आगे जितनी भी फाइल में जा रहे हैं, हर एक फाइल के बाद एक छोटी फाइल आपको यूज़ करनी है, चाहे 10 नंबर या 15 नंबर आप यूज़ कर लीजिए। मतलब आपने 25 नंबर यूज़ किया, फिर से आप 15 नंबर वर्किंग लेंथ तक क्लीन करिए, फिर इरीगेट करिए, फिर आपने आगे यूज़ किया 30-35 यूज़ किया, फिर से 15 नंबर यूज़ करिए क्योंकि वो नीचे तक चले जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिकैप्चुलेशन, ये आपको परफॉर्म करना है। रोटरी अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी, रोटरी फाइल आपने किया फिर हैंड फाइल 15 नंबर यूज़ करिए, रिकैप्चुलेट करिए उसको। ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये पॉइंट्स याद रखिए, हेल्प होगी अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्प होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आगे और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आगे ऑब्जर्वेशन पर भी इस पर वीडियो हम समझेंगे, उसके अलावा भी और भी वीडियोस हम RCT में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।